जी हाँ, तो यूपी के सीएम होंगे योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर बाद ताजपोशी होने जा रही है और योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान करने पर मुस्लिमों में भी जश्न का माहौल है। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तो इस अंदाज में ये खुशी अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से भी सामने आ रही है। और इस तरीके से देखिए जरा, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने भी जश्न मनाया है बाकायदा पोस्टर्स के साथ, होर्डिंग्स के साथ। यूपी के भगत सिंह की संज्ञा दी गई है योगी आदित्यनाथ को, बाकायदा भगत सिंह की तरह ही उन्हें दिखाया गया है। और ये तमाम लोग निकले हैं सड़कों पर, योगी बने उत्तर प्रदेश के बादशाह, इस अंदाज में योगी की ताजपोशी दिखाई गई है। यूपी के राम, तो अलग अलग तरीके से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को। कोई देश का बादशाह नरेंद्र मोदी को कहते हुए यूपी का बादशाह, यूपी का सिंघम योगी आदित्यनाथ को कह रहा है। और इस अंदाज में अल्पसंख्यकों की तरफ से भी खुशी का इजहार किया जा रहा है। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ जी और मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ जी सदैव ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के हितैषी रहे। जितना सम्मान वो हिंदू धर्म का करते हैं उतना ही सम्मान वो मुस्लिम समाज का भी करते हैं। मैं लगातार उनके साथ 14 साल से बना हूँ और मैं देख भी रहा हूँ, इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। अगर ये विपक्ष के लोग मुस्लिम समाज को भड़काने और गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है। आज भी महन जी मुस्लिम समाज का सम्मान करते थे और उम्मीद है कि सीएम बनने के बाद भी उससे अच्छा सम्मान मुस्लिम समाज को मिलेगा। जितने भी कार्यक्रम अल्पसंख्यक मोर्चा के भाई करते हैं हम बहनों को भी बुलाते हैं, और वो शुरू से मुख्यमंत्री बनने के लिए इरफान भाई और उनकी पूरी टीम महाराज जी के लिए हमेशा पोस्टर्स लेके कार्यक्रम करती रही है। और हम लोग चाह रहे थे कि महाराज जी मुख्यमंत्री बने और गोरखपुर हमारा और भी महत्वपूर्ण हो जाए, वो जो आज हम लोगों की मंशा पूरी हो रही है।